मध्य प्रदेश विपणन सहकारी कॉरपोरेशन एक्ट धारा 58B के तहत दो मामलों में मेघनगर विपणन सहकारी संस्था के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी एवं संचालक मंडल व कर्मचारी गण और अन्य लोगों को लगभग 97 लाख से भी अधिक रुपए की वसूली के नोटिस दिए गए। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम है 58B एक धारा है। 58B की धारा ये बोलती है कि यदि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसके कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी या किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रूप में यदि कोई आर्थिक नुकसान पहुंचाया है तो उसकी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात उस आर्थिक हानि की वसूली उसकी चल अचल संपत्ति से किए जाने का उल्लेख और प्रावधान है। सर, आज आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उसमें चुनाव करवाना ये किस संबंध में? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत सटीक प्रश्न है। निश्चित ही लोकसभा और विधानसभा की आचार संहिता सर्वोपरि है, लेकिन आचार संहिता की जहाँ तक मुझे याद आ रहा है खंडिका 2 में यह प्रावधान है कि निर्वाचन लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में प्रचलित आचार संहिता में किसी अन्य सहकारी संस्थाओं के या कृषि उपज मंडी के या इस तरह के कोई समानांतर चुनाव नहीं कराए जाएंगे, किंतु यदि न्यायालयीन आदेश के पालन में कोई कार्रवाई है तो वह निरंतर रहेगी। इसी क्रम में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई नया निर्वाचन नहीं हो रहा है, यह निर्वाचन वर्ष 2018 में प्रारंभ हुआ था। सहकारिता के निर्वाचन 2 चरण में होते हैं। प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही होती है, तो इस मेघनगर मार्केटिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही 2018 में पूर्ण हो गई थी। रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही में मतदाता सूची फाइनल होती है, मतलब आचार संहिता के पहले से यह कार्यवाही अस्तित्व में आ गई थी, किंतु कुछ ऐसे कारणों के कारण बीच में चुनाव नहीं हो सके तो जो व्यथित पक्ष थे वो हाईकोर्ट में उन्होंने अपील लगाई। सर, 11 तारीख को चुनाव है और 10 तारीख को जो संबंधित व्यक्ति हैं उनकी जो विचाराधीन मामला है, जो डिफॉल्टर्स हैं 97 लाख रुपए का जो मामला है उसमें, सर 10 तारीख को उनकी पेशी और 11 तारीख को निर्वाचन, उस संबंध में यदि प्रत्याशी डिफॉल्टर पाए गए तो क्या? नहीं, मैं आपको अभी मेरा एक प्रश्न अधूरा रह गया था कि आचार संहिता वाला, तो मैं ये बता रहा था कि हम ये द्वितीय प्रक्रिया जो शुरू कर रहे हैं वो हाईकोर्ट में एक याचिका निराकृत की गई है जिसमें तत्काल चुनाव कराने के लिए आदेश है। तत्काल चुनाव नहीं प्रारंभ हो सके तो माननीय न्यायालय की अवमानना ने कंटेम्प्ट याचिका लगाई गई। कंटेम्प्ट याचिका में तत्काल निर्देश दिए गए कि चुनाव कराया जाए, इसलिए आचार संहिता में जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर महोदय की जानकारी में ला के हमें निर्वाचन हमने प्रक्रिया प्रारंभ की। दूसरा प्रश्न आपका जो कुछ लाख रुपये की अनियमितता की जो दिनांक 10 तय है, आपने प्रश्न पूछा है कि यदि उस तारीख को ये दोषी पाए जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी। इसके संबंध में लिखित शिकायत यहाँ पर आ चुकी है। लिखित शिकायत के समर्थन में हमने एक इमरजेंसी संदेश भेजा है अपने इंस्पेक्टर को कि वो पूरा कार्यालय का रिकॉर्ड लेकर यहाँ पर उपस्थित हों। तो चूंकि वो शिकायत ऑन रिकॉर्ड आ गई है, कार्यालय का रिकॉर्ड आने वाला है, और मैं आपको ये बता दूँ कि ये सब निर्णय निर्वाचन अधिकारी दस्तावेजों को देख कर लेंगे। यहाँ पर मेरी भूमिका विभाग के जिला प्रमुख के रूप में केवल प्रक्रियाओं को मॉनिटरिंग करने की है। आज समस्त कार्रवाई और समस्त निर्णय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे, और चूंकि रिटर्निंग अधिकारी के विशेषाधिकार हैं वो अपने पृथक कक्ष में बैठकर एक एक शिकायतों के बारे में परीक्षण करें।